हाँ बेटा, आज क्या था, क्या प्रोग्राम है स्कूल में? अस्सलामुअलैकुम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद एंजल जामुद्दीन सिद्दीकी। आप स्कूल का नाम क्या है? लिटिल एंजल। लिटिल एंजल फनफेयर। और आपको क्या काम दिए था? वाटर डैम बनाने का। वाटर डैम दिए था। आपके टीचर का नाम क्या है? आपके टीचर का नाम क्या है? उमामा मिस। क्या बनना चाहते हैं आप फ्यूचर में, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? क्रिकेटर। क्रिकेटर, थैंक यू। आपका नाम क्या है? उमेर। उमेर, कौन से स्कूल? लिटिल एंजल। लिटिल एंजल। और आपका क्या था? कलाइडोस्कोप। हाँ, कलाइडोस्कोप। कलाइडोस्कोप अभी है, ये है। तो आपको क्या मतलब, ये कलाइडोस्कोप जो दिए है, तो आपको कैसा मतलब, क्या सोच के आपने, मतलब किसने आइडिया दिया आपको? स्कूल। स्कूल ने, मतलब आपकी थिंकिंग, जो आपको जो थिंकिंग दिया, जिसने आइडिया स्कूल ने दिए। हाँ। आपका जो बच्चा अंजला जो पढ़ता है, आप कितने क्लास में पढ़ता है? सेकेंड स्टैंडर्ड में। मैनेजमेंट बहुत खुश हूँ। आज क्या प्रोग्राम था? आज एग्जीबिशन था और फन फेयर था। तो इस प्रोग्राम में जो है आपके बच्चे को क्या जिम्मेदारी दी गई? एग्जीबिशन वाटर डैम बनाना था और फन फेयर में शाही टुकड़ा दिए थे बनाने। मैडम, आपका बच्चा कितने साल से यहाँ पे पढ़ रहा है? जूनियर से पढ़ रहा है। इस स्कूल में जो है साल भर में ऐसे कितने कार्यक्रम करते हैं ये लोग, और जो उसमें खर्च आता है वो आप लोग भी हाथ बटाते हो, जैसे कि पेरेंट्स लोग भी हाथ बटाते हैं, या फिर स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से सब? नहीं, ज़्यादातर स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से होता है। तो एक हमेशा एक आरोप रहता है, जैसे कि निजाम भाई हैं, इनका बच्चा अंजला, निजाम भाई बड़ी तारीफ करते हैं कि, हाँ माशाल्लाह, बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन और लोगों के आरोप रहते हैं कि बच्चों पर भार बहुत देते हैं, बहुत कार्यक्रम कराते हैं, तो पैसा बहुत खर्च कराते हैं, ये है? नहीं नहीं, ये सब झूठ है। नहीं नहीं, सब झूठ है। बच्चों पर डिपेंड करता है ना, बच्चे पढ़ने में। आपके बच्चे से हमने बाइट लिया, वो क्रिकेटर बनना चाहता है, क्या फील? अच्छा, ये जो बनना चाहता है वही। क्या नाम है आपका? शिफा जाबर सुरवे। आपका बच्चा यहाँ पर पढ़ता है? जी। कितने साल से पढ़ता है? जब से स्कूल स्टार्ट हुई तब से, नर्सरी से। हाँ, स्कूल अच्छी है, मैनेजमेंट, टीचर्स सब अच्छे हैं, बल्कि एग्ज़ाम के टाइम पे अगर बुक्स इनकम्प्लीट है या बच्चा लेट आ रहा है, किसी वजह से बीमार है, तो टीचर्स बुला के हमको बताते हैं कि बुक्स कम्प्लीट नहीं है तो कम्प्लीट कर लो, सब अच्छा है इसे। जी हाँ, तो मतलब जो देखिए, पहले तो मेरा मानना ऐसा है कि पढ़ने वाला बच्चा है वो पेड़ के नीचे भी पढ़ सकता है,
बिल्डिंग बड़ी होने से कुछ नहीं होता। अभी हमारी ये स्कूल है छोटी है, लेकिन यहाँ पे तालीम अच्छी मिलती है, टीचर्स अच्छे हैं, मैनेजमेंट भी अच्छा है। दूसरे स्कूलों में ऐसा है कि मैनेजमेंट से मिलने नहीं दिया जाता, लेकिन हम यहाँ पर कोई भी छोटी मोटी बात है हम डायरेक्ट मैनेजमेंट से जाके बात करते हैं। जैसे कि हमारे सर हैं यहाँ की, ये स्कूल की फ़ीस भी कम है दूसरे स्कूल के मुकाबले में, और बाकी सब तो ठीक ही है। जैसे कि न्यूट्रिशन डे होते हैं तो बाहर का खाना वगैरह अलाउड नहीं है, बिस्किट क्रीम वगैरह नहीं, रोटी भाजी जो गरीब लोग अपन खा सकते हैं वही लाने बोलते हैं, तो यानी सब तरीके से ठीक ही हैं। हमारी प्रिंसिपल जो है आसमा मिस, वो कैबिन के अंदर जब होती है ऑफिस में तो वो प्रिंसिपल होती है, लेकिन कैबिन के बाहर वो हमारी फ्रेंड है। हाँ, और मैनेजमेंट भी जो है वो सर सब तीनों अच्छे हैं, यानी गनी सर, अमजद सर, मतीउल्ला सर, तीनों अच्छे हैं। और फीस वगैरह के मामले में ने हमारी बात करो या दूसरे भी जो पेरेंट्स हैं, अगर जो एक साथ में फ़ीस नहीं दे पाते हैं तो सर इंस्टॉलमेंट पे भी लेते हैं, और कभी फीस के लिए फोर्स नहीं करते कि आपकी अब तक फ़ीस नहीं आई है तो स्कूल में बैठने नहीं दिया जाएगा या एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। आज तक ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है।